जरा हम भी यहीं पे बैठ जाए का भैया जी। अरे वहाँ नहीं तो कहाँ, मेरे थर पे बैठिएगा, लीजिए बैठिए बैठिए मेरे थर पे, बात करते हैं। आपको भी कानपुर जाना है का भैया जी? भैया जी ना, मुझे दहनू में जाना है, आपको भी चलना है का? अरे तो इतना भड़क कहला रहे हैं, हम सोचे डर उर लग रहा होगा, इतना रात के अकेले बैठे थोड़ा सा बात उत कर लेते हैं, मन बदल जाएगा और का। नहीं हमको नहीं लगता है डर, और हम आपको अकेले हम ही एगो दिख रहे हैं, आपके बगल पर भी तो बैठे हैं, उनसे बात कीजिए। भैया जी आप गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं, गुस्सा करना सेहत के लिए बेहद ख़राब है। अच्छा तो सेहत मेरा है कि आपका? ना वो तो आप ही का है। आप काहे को चिंता कर रहे हैं महाराज, आप अपना फिक्र कीजिए ना। आपको भी कानपुर जाना है भैया जी? हाँ जी हमको भी कानपुर ही जाना है। तो आपको भी डर वर नहीं लगता है इतनी रात को? नहीं नहीं मुझे तो अकेला बहुत डर लगता है। और हम तो सुने हैं भैया जी कि यहाँ पे एक आत्मा भी रहता है। ओहो तो आपको ये सब कौन बताया? वो जब हम अभी यहाँ पे आ रहे थे ना तो वो रिक्शा वाला बता रहा था कि ऐसा ऐसा बात है, हम तो एकदम डर गए हैं। हाँ सही बोल रहे हैं भैया जी, हम भी कुछ सुने हैं आत्मा के बारे में। हाँ वही बता रहा था कि जब कोई यहाँ अकेले रहता है ना तो बहुत ही अकेले में वो आदमी को परेशान करता है वो आत्मा। अच्छा है हम दोनों को साथ में कानपुर जाना है, अकेले नहीं है कोई भी। हाँ सही बोल भैया जी, पता नहीं इनको कहाँ जाना होगा, ये तो बात बात पे इतना न गुस्साइए जाते हैं कि का कोई इनसे बात करे। अच्छा आप कभी भूत को देखे हैं का? हाँ भैया जी हम एक बार देखे हैं उसको। अच्छा कब देखे थे जरा हमको भी बताइए तो। भैया जी आज से 2 साल पहले हम ऐसे ही एक बस स्टॉप पे अकेले बैठे थे, लाइट आ रही थी लाइट जा रही थी, बिजली भी बहुत कड़क रही थी भैया जी, तभी अचानक एक आदमी मेरे पास आया और बैठ गया भैया जी, फिर हम दोनों आपस में बातें करने लगे, फिर उनका बस आया और वो उठ के चले गए, फिर से हम अकेले भैया जी, फिर से बिजली कड़कने लगी, फिर से लाइट आने लगी जाने लगी, तभी एक रिक्शा वाला आया और मेरे पास आकर मुझसे पूछता है भैया जी जहन्नुम में चलोगे? जब मैंने उसकी तरफ देखा भैया जी तो एक बहुत ही भयानक भूत था, हम तो कैसे कैसे करके जल्दी जल्दी में अपना जान बचा के भागे वहाँ से। हम तो आज तक नहीं देखे हैं उसको, लेकिन सुनते हैं बहुत भयानक होवत है। ये अर्थ को कहाँ से आ गया भैया जी? अरे ये अर्थ को एक नहीं है, वो जो बगल वाले भाई साहब है वो कांप रहे हैं। क्या हो भैया जी कांप कह रहे हैं आप? आप तो बोले आपको डर नहीं लगता है किसी से भूत भूत से। हाँ तो कौन बोल दिया आपको कि हमको डर लग रहा है? हमको किसी भूत भूत से डर नहीं लगता है। नहीं आप कांप रहे हैं तो हमको लगा कि डर रहे होंगे, वैसे आप कांप कह रहे हैं भैया जी? वो तो मेरा आदत है, जब भी हम अकेला बैठे होते हैं तो मेरा पैर अपने अपने हिलने लगता है, बात करते हैं डर लगता है, हमको किसी से डर वर नहीं लगता है। अच्छा वो सब छोड़िए भैया जी, चलिए बॉस आ गया, चलना नहीं है क्या? हमको कानपुर नहीं जाना है भैया जी। ठीक है तो भाई साहब हम लोग चलिए, ऐसे भी भैया जी को डर वर नहीं लगता, अकेले बैठेंगे और का।